नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल थ्योरी टू प्रैक्टिकल के ऊपर। इस समय जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कूलिंग सिस्टम होता है यानी शीतलक प्रणाली। शीतलक प्रणाली के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जो जो मैंने की नोट जहाँ पे लिखे हैं वो सब इस वीडियो के अंदर इंक्लूड होंगे, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है कूलिंग सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन का टॉपिक हमें कवर करना पड़ेगा शुरू में। फिर उसके बाद में उसके टाइप्स होते हैं कूलिंग सिस्टम के, टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कि वाटर कूलिंग सिस्टम है या एयर कूलिंग सिस्टम है, दो तरह के टाइप्स होते हैं इसके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स में। फिर वाटर कूलिंग सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम को भी पढ़ेंगे। पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम में रेडिएटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि रेडिएटर के बिना कूलिंग सिस्टम फेल है, तो रेडिएटर का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो इसकी बारी आएगी वो है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का बहुत ही उम्दा रोल है इस कूलिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि गाड़ियों में कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है नए व्हीकल में आजकल। फिर उसके बाद में सेकंड टाइप आ जाएगा जो कि है एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कूलिंग सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेज है, क्या क्या डिसएडवांटेजेज है, यानी कि उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम्स की। अब हर एक चीज़ की मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो कूलिंग सिस्टम में उसकी भी मेंटेनेंस की हमेशा टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है, तो उसकी मेंटेनेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान हम लेंगे। फिर उसकी ट्रबल शूटिंग को अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि उसको रिपेयर कैसे करना है, यानी कि कूलिंग सिस्टम अगर खराब हो जाए आपका या गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, जैसे कि इंजन ज़्यादा गर्म हो जाए चलते चलते तो उसको ठंडा कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, वो सब ट्रबल शूटिंग में आएगा। और उसके बाद में आपका फेवरेट पार्ट लेके आऊँगा मैं, जो कि क्वेश्चनियर कूलिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चनियर आएंगे। चलिए आगे बढ़े, तैयार हो सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कूलिंग सिस्टम का कि जब पावर स्ट्रोक होता है तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि इंजन होता है वो इतना गर्म हो जाता है कि उसको कूलिंग की जरूरत होगी। अगर कूलिंग हम नहीं कर पाए तो क्या होगा कि इंजन चौक हो जाएगा या इंजन सीज हो जाएगा। ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो इंजन चौक हो जाएगा या इंजन सीज हो जाएगा। बस उसी इंजन चौकिंग या इंजन सीज को रोकने के लिए हम कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कूलिंग सिस्टम में क्या क्या होता है कि यहाँ पे पूरा कूलिंग सिस्टम का डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है रेडिएटर का, यानी कि रेडिएटर का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अंदर आ जाएंगे सब, उसके फैन होता है, फैन ड्राइव बेल्ट, वॉश पाइप, फिर वाटर पंप का भी इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि वाटर को आदान प्रदान करना इधर से उधर, उसको ट्रांसफर्जन करना। थर्मोस्टेट ये रहा यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, और बाईपास की कई बार जरूरत होती है कई बार नहीं होती है। प्रेशर कैप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी आगे पढ़ेंगे। और वाटर जैकेट, यानी कि कूलिंग के अंदर आने वाले दो उपकरण, यानी कि एयर फ्लो और वाटर, दोनों का उपयोग होगा कूलिंग के लिए। वाटर का भी यूज होगा और एयर का भी होगा, और उसके अलावा कुछ और नए नए शीतलक आते हैं, केमिकल वगैरह आते हैं, तो उनका प्रयोग भी होगा, तो वो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। और ये भी आप जान लो कि जब इंजन चलता है तो उसकी जो हीटिंग होती है, यानी कि 100% हीट डेवलप होती है, तो 100% में से ओनली 20% आपके काम की हीट है, 20% हीटिंग से ही इंजन चलता है और उससे जरूरत होती है, बाकी 80% का कोई उपयोग नहीं है। तो ये जो 20% हीट आएगी तो वो भी काफ़ी होती है इंजन को जमाने के लिए, इंजन को चौक करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो इसलिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं। और कूलेंट का प्रयोग करने से 28% तक हम उसको ठंडा कर पाते हैं कूलेंट से, यानी कूलेंट अगर नहीं होगा तो ये 28% भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि 28% तक वो ठंडा रह सके इंजन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ एक ट्री डायग्राम दिया हुआ है, ट्री डायग्राम के अनुसार हम समझेंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो कूलिंग सिस्टम होता है वो होता है या तो वाटर कूल्ड होता है सिस्टम या एयर कूल्ड,
वाटर कूल्ड में जैसे कि नाम इसका दिया हुआ है, तो वाटर से वो कूलिंग होगी उसकी, और एयर कूल सिस्टम है यानी कि हवा से ठंडा होगा। तो ज्यादा बेहतर कौन सा, वाटर है या एयर है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर उनके या सिर्फ हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वाटर कूल्ड के भी तीन टाइप्स हैं, थर्मोसाइफन, इंपेलर साइफन एंड पंप सर्कुलेटेड सिस्टम। थर्मोसाइफन, इंपेलर और पंप सर्कुलेटेड सिस्टम, पंप सर्कुलेटेड सिस्टम का ज्यादा उपयोग होता है, सबसे इंपोर्टेंट यही है पंप सर्कुलेटेड सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थर्मोसाइफन को लेंगे, ये कौन सा टाइप है, वाटर कूलिंग सिस्टम का टाइप है थर्मोसाइफन। यहाँ आपके स्क्रीन पे राइट साइड में एक चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, जो कि थर्मोसाइफन का चित्र दिया हुआ है। थर्मोसाइफन के अनुसार क्या होता है कि जब पानी गर्म होता है तो क्या हल्का हो जाता है, पानी हल्का होगा तो पानी ऊपर की तरफ आएगा और जो भारी पानी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, ये रूल है केमिस्ट्री का। आपने कई बार देखा होगा कि अगर नहीं देखा तो एक काम करना कि रसोई में जाना और एक कांच का बीकर लेना, बीकर के अंदर चाय की पत्ती डालना या कोई नारियल का बुरादा डालना उसके, और फिर उसको उबालना शुरू करना। तो जब जब उसको उबालेंगे, जैसे जैसे वो उबलेगा तो क्या होगा कि जो ठंडा पानी होगा वो ऊपर आएगा और गर्म पानी होगा वो नीचे जाएगा। पता कैसे लगेगा कि उसके अंदर जो नारियल का बुरादा होगा या चाय पत्ती होगी वो गोल गोल घूमती रहेगी, परस्पर घूमेगी। तो थर्मोसाइफन में यही प्रणाली काम में आती है, यानी कि गर्म पानी होगा वो नीचे जाएगा और ठंडा पानी होगा वो ऊपर आता रहेगा, ये देखो इस टाइप से चलता रहेगा, ये तीर के द्वारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा कूलिंग सिस्टम काम करता है, इसको बोलते हैं थर्मोसाइफन सिस्टम। ठीक है, अब क्या हुआ, थर्मोसाइफन में भी कुछ त्रुटियां हैं। क्या त्रुटियां इसमें, कि सबसे पहले तो इसको रनिंग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि पानी अगर रेडिएटर के कैप तक भरा रहेगा तो ही वो असली ढंग से वर्क कर पाएगा, वरना वर्क नहीं कर पाएगा। और दूसरा इसमें क्या होता है, उसकी खामी क्या है कि रेडिएटर को ठेर ऊपर तक, मतलब सबसे ऊपर तक भरना जरूरी है, उसके कैप तक, कैप तक भरेंगे तो थर्मोसाइफन काम कर पाएगा, वरना काम करना बंद कर देगा। उसके अलावा क्या होता है इसमें कि मान लो कि कई इसमें गंदगी आ जाती है कई बार पानी में, तो गंदगी जब आएगी तो वो नीचे जमा हो जाएगी, तो इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी होगी थर्मोसाइफन की वो कम हो सकती है, रेडिएटर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसी को दूर करने के लिए नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंपेलर थर्मोसाइफन सिस्टम। अब क्या होगा उसमें कि अपने पास पानी है, लेकिन पानी को ज्यादा ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एक पंखा लगा देंगे, यानी कि इंपेलर का यूज करेंगे, इंपेलर का यूज। इंपेलर क्या होता है, इंपेलर यानी कि फैन या पंखा, तो पंखे का यूज करेंगे इंपेलर थर्मोसाइफन सिस्टम में, जिससे पानी क्या जल्दी ठंडा हो जाएगा, यानी कि वो लगातार ऊपर नीचे चलता रहेगा, पानी का फ्लो रुकेगा नहीं, इसलिए हम इंपेलर थर्मोसाइफन का सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जब उसके नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है कि पानी भी है हवा भी है, बस एक पंप लगा देते हैं ताकि पानी का खिंचाव जल्दी हो जाए और वो आगे रेगुलेट कर पाए। ज्यादातर व्हीकल में ये पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी, इसकी कार्य करने की क्षमता वगैरह अच्छी है, इसलिए बार बार पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम का हम उपयोग करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एक पंप लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये रहा, यहाँ दिया हुआ है, ये पंप होता है, पंप रोटेट होता है, तो उससे क्या वो पानी को खींचता है और फेंकता है, पानी को खींचता है और फेंकता है, और पिस्टन के चारों तरफ केसिंग होती है, ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे केसिंग। तो केसिंग के अंदर इसका फ्लो चलता रहता है, जिससे क्या ये पिस्टन को ठंडा, पिस्टन और सिलेंडर को ठंडा रखता है, इसी केसिंग का उपयोग करके। और ये देखो इधर साइड में से हवा भी आ रही है, एयर का फ्लो भी हो रहा है, तो एयर भी आ रही है, पानी ठंडा भी हो रहा है और पंप भी हो रहा है, तो ये तीनों मिला के पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम को तैयार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करेंगे मेन पार्ट ऑफ पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम, यानी कि पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि अवयव, मेन पार्ट्स मतलब अवयव, इसके अंदर कौन कौन से अवयव का प्रयोग करेंगे। तो उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट नंबर है रेडिएटर, फिर है प्रेशर कैप,
जो रेडिएटर के टॉप पे लगती है। उसके अलावा है फैन और फैन का बेल्ट, यानी कि रबर का बेल्ट हम प्रयोग करते हैं। फिर है थर्मोस्टेट वाल्व, फिर है होजेस, होजेस यानी कि पाइप जो कि रबर के तैयार मिलते हैं। और लास्ट में इसका पढ़ेंगे हम वाटर पंप के बारे में। ठीक है, तो पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएटर की। तो रेडिएटर के चार भाग होते हैं, अपर टैंक, लोअर टैंक, रेडिएटर कोर और रेडिएटर कैप। ये चार भाग मुख्य होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपर टैंक। तो अपर टैंक क्या होता है कि ये बहुत बड़ा भाग होता है, इसके अंदर पानी को डालने के लिए मुंह होता है। यहाँ पे देखो ये कैप लगी होती है, ठीक है, ये अपर टैंक है। तो ऊपर से पानी को हम डालते हैं, जब ये पूरा भर जाता है और मान लो कि पानी ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो उसके लिए आउटलेट का सिस्टम लगा होता है, ये वाटर पाइप है। इसका सीधा उदाहरण देखना हो तो आपके घर के ऊपर टांका वगैरह होता है, घर में नीचे की तरफ कनाया और होता है। तो मान लो टांका रात को ज्यादा भर जाए तो उसको ओवरफ्लो रोकने के लिए एक आउटलेट पाइप दिया होता है, वो आउटलेट पाइप भी रेडिएटर में इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इतने ना भाग है वो उसको अपर टैंक बोलेंगे। फिर ये कोर होगा, ये कोर का भाग है, और नीचे की तरफ आएगा लोअर टैंक। लोअर टैंक में भी एक वाटर पाइप होता है, मान लो कि उसकी फ्लशिंग करनी हो, यानी कि उसको फ्लश करना हो, लेटरिन में होता है फ्लश, तो उसी तरह अगर रेडिएटर को फ्लश करना हो तो उसके लिए इस पाइप का उपयोग होता है। मान लो कि यहाँ पे कचरा भर गया, नीचे की तरफ कचरा जम गया, तो ऊपर से पानी डालेंगे और फिर इसको प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनने के बाद इसको अचानक खोल देंगे तो फ्लशिंग हो जाएगी, उसमें कचरा भी बाहर निकल आएगा। ठीक है, और ये होता है लीक ऑफ पाइप, जो ये मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये लीक ऑफ पाइप है। तो ये अपर टैंक भी हो गया और लोअर टैंक भी इसमें इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है रेडिएटर कोर। रेडिएटर कोर में क्या होता है कि फिन्स लगे होते हैं। फिन्स किसके होते हैं, ज्यादातर एल्यूमिनियम के यूज किए जाते हैं फिन्स। और इसमें क्या होता है कि फिन्स मतलब क्या होता है कि बारीक बारीक नलियां होती है इसमें। तो नलियों का काम क्या होता है कि ये हीटिंग होती है, हीटिंग को उसका सरफेस एरिया उसको बढ़ा देते हैं, ताकि क्या वो जल्दी कूलिंग उसको मिल जाए। ये जो रेडिएटर का उपयोग होता है वो इंजन के जस्ट आगे की तरफ होता है, यानी कि सबसे पहले रेडिएटर आता है और फिर इंजन आता है और फिर ड्राइवर बैठता है, तो उस तरह सबसे आगे ये लगता है रेडिएटर, और रेडिएटर में से हमेशा गर्म हवा आएगी। ठीक है, रेडिएटर भी तीन तरह के होते हैं, ट्यूब्यूलर, प्रेस ट्यूब टाइप और हनीकॉम टाइप। सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो होता है प्रेस ट्यूब टाइप का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये ट्यूब बनी होती है, ट्यूब के अंदर फिन्स होते हैं, जैसे कि डीएनए आपने मॉडल देखा होगा, डीएनए कैसे होते हैं उसी तरह उसमें भी फिन्स लगे होते हैं, डीएनए मॉडल की तरह ये फिन्स लगे हुए हैं। तो इसका ज्यादा यूज क्यों होता है, क्योंकि ये इसकी सफाई आसानी से हो सकती है, इसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम है, ये अपने आप मतलब खोल भी सकते हैं अपन खुद, और या कोई जो कम कौशल का मिस्त्री होगा वो भी इसको खोल सकते हैं। और इसकी केसिंग होती है वो होती है कॉपर की, कॉपर यानी तांबा, तांबे की केसिंग इसमें प्रयोग की जाती है। तो प्रेस ट्यूब टाइप का ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि ये मेंटेन करने के लिए आसानी है, उसकी सफाई आसानी से कर सकते हैं। और जो कुछ सस्ते रेडिएटर होते हैं तो वो क्या है कि कॉपर की जगह आयरन का बनाते यूज लेते हैं, लोहा का, आयरन का यूज लेते हैं। तो आयरन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी एक दिक्कत है कि ये पानी को ढंग से ठंडा नहीं कर पाता है। कॉपर होता है वो हीटिंग का सुचालक होता है, आयरन है वो भी सुचालक होता है लेकिन थोड़ा कम होता है कॉपर से, तो ये ढंग से हीटिंग नहीं कर पाएगा, उसकी कूलिंग ढंग से नहीं कर पाएगा। तो दूसरी ये बात है, आयरन में जंग भी लग जाता है जल्दी, तो हमेशा आप जब भी लो तो ढंग की क्वालिटी का रेडिएटर कोर लो, जो कि तांबे का बनता है, आयरन का कभी नहीं लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है रेडिएटर कैप। तो रेडिएटर कैप क्या होता है कि रेडिएटर के जस्ट ऊपर लगती है, ऊपर इसका प्रयोग क्या होता है कि जैसे कि रेडिएटर कैप होती है दो तरह से उपयोग आती है, एक तो होता है ओपन सिस्टम और एक होता है हाई प्रेशर सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है
कि सिंपल साधारण कैप रख देते हैं और उसको ढक्कन की तरफ बंद कर देते हैं, ये आपका ओपन सिस्टम जनरेट हो गया। हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होता है कि आपको रेडिएटर के अंदर हमेशा लगभग 5 पाउंड का 5 पाउंड पर वर्ग इंच उसके हिसाब से प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है। वो मेंटेन करेंगे तो ही हाई प्रेशर सिस्टम कहलाएगा, वरना ये ओपन सिस्टम में कहलाएगा। तो जो प्रेशर कैप होगी उसको इस तरह से प्रेशराइज करना है, उस तरह से उसको रखना है, उसको ढक्कन बंद करना है उसका, कि 5 पाउंड का प्रेशर डेवलप हो जाए। 5 पाउंड का प्रेशर इसलिए लेते हैं कि आपने ये सुना होगा कि जहां जहां प्रेशर डिक्रीज होगा तो वहां टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मान लो पानी है, वो अगर जमीन पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कहिए हम थोड़े हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, यानी कि थोड़ी ऊंचाई पे जाएं, शिमला में जाएं, तो वो धरती से जमीन से लगभग 7000 फुट ऊपर होगी, 7000 फुट ऊपर है, तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रेशर होगा ऊपर जाने पे वो कम होता है, तो प्रेशर कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, तो क्या करेगा 100 डिग्री की जगह पे 92 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही खराब चीज होती है, अगर इतने कम पे उबलेगा तो फिर वो रेडिएटर ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इस त्रुटि को सही करने के लिए हम 5 पाउंड वर्ग प्रति वर्ग इंच का प्रेशर मेंटेन करेंगे। प्रेशर मेंटेन करने का ये फायदा है कि उससे क्या होगा कि जो पानी का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस जो उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट उससे ऊपर चला जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, तो ये फायदेमंद होता है। ये अक्सर जो ठंडे प्रदेश होते हैं, यानी कि ठंडे जो देश होते हैं, कंट्रीज, ठंडी कंट्रीज होती है, उसके अंदर इसका ज़्यादा उपयोग है, जहाँ पे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन काम में लिया जाता है जो कि बहुत महंगा होता है, उसकी जगह इसका प्रयोग किया जाता है, रेडिएटर प्रेशराइज्ड रेडिएटर कैप का प्रयोग किया जाता है। इसको प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फैन की तरफ। ये कूलिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है फैन, फैन और फैन का बेल्ट होता है। फैन का काम क्या होता है कि जो हवा होती है, हवा का प्रेशर को मेंटेन करता है फैन। इसमें क्या होता है कि या तो 3 ब्लेड या 4 ब्लेड या 6 ब्लेड्स का यूज होता है। ब्लेड्स लगेंगे तभी वो काम कर पाएगा फैन, और ब्लेड्स कुछ एंगल के ऊपर इनको टिल्ट किया होता है। टिल्ट करने से ये फायदा होता है कि एरोडायनामिक्स के हिसाब से उनको टिल्ट किया जाता है ताकि वो अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए। और फैन बेल्ट का भी प्रयोग इसमें होता है कि मोटर को फैन से कनेक्ट किया जाता है फैन बेल्ट के जरिए। उसके बाद आएगा वाटर पंप। वाटर पंप का उपयोग इसमें सिर्फ वाटर को पंप करने का है, यानी कि उसमें वाटर को फिल किया जाता है, फिर वो वाटर को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर पंप का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, बस ये इसका काम है इतना सा। आगे बढ़ते हैं, इसका जो अदर कंपोनेंट है वो है थर्मोस्टेट वाल्व। थर्मोस्टेट वाल्व का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व का उपयोग क्या होता है कि जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि वाटर पंप होता है वो पानी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो या कितना भी गर्म हो, तो उसका वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। चलो मानते हैं कि इंजन को ठंडा रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना भी ठंडा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इंजन स्टार्ट ही ना हो पाए। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी होगा और सर्दी के टाइम में पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने से वो इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बिलो टाइप या बेलो टाइप, और दूसरा होता है वैक्स टाइप थर्मोस्टेट। 2 तरह के थर्मोस्टेट का उपयोग करते हैं। बेलो टाइप का मतलब होता है बेलो,
बेलो का मतलब होता है कि फूंक मारना या फिर खांसना वगैरह उस टाइप का होता है। तो ये एक डिवाइस होता है, आपने कई बार देखा होगा भट्टिया होती है जो कि लोहार वगैरह होते हैं, तो जब लोहार भट्टी पे काम करते हैं तो वो एक साइड में से हवा को ब्लो कर देते हैं, ब्लोअर का काम होता है। तो ये भी एक ब्लोअर टाइप ही होता है, इस टाइप का ये ऐसे बाजा टाइप का बजता रहता है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, बाल ओपन करता है और क्लोज करता है। इसके तीन कॉम्पोनेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 को बोलते हैं ब्रेडर वाल्व, ये आपके ब्रेडर वाल्व है। सेकंड नंबर है होल, ये होल है, ये वाला होल का पोर्शन है। और थर्ड नंबर वो बेलो है, ये इतना एरिया बेलो का है। बेलो ये स्ट्रिंग होगा और अभी एक्सपेंड होगा, स्ट्रिंग होता है एक्सपेंड होता है। जब ये स्ट्रिंग होगा तो ये पूरा उसका सिस्टम ब्लैडर वाल्व को नीचे की तरफ लेके आ जाता है, और जब ये एक्सपेंड होगा तो ये ऊपर आ जाता है। तब इससे क्या होगा कि बेलो टाइप थर्मोस्टेट हैज एक्सपेंड बिलो टू अलाउ वाटर टू सर्कुलेट थ्रू रेडिएटर। ठीक है, ये वाटर को अलाउ कर देता है कि रेडिएटर के थ्रू वो आस पास हो सके। सेकेंड है वैक्स टाइप थर्मोस्टेट। वैक्स टाइप थर्मोस्टेट में क्या होता है कि इसमें वैक्स को भरा जाता है, वैक्स का इसमें यूज हो जाता है। इसका ज्यादा आजकल प्रचलन होना शुरू हो गया इंडस्ट्री में। क्यों होता है इसका कि ज्यादा जल्दी पंचर नहीं होता है, पंचर इसमें जल्दी इजीली नहीं हो पाते हैं। जो दूसरे टाइप पहले टाइप उसके अंदर पंचर हो गया तो वो कोई काम का नहीं है, इसलिए वैक्स टाइप थर्मोस्टेट का यूज होता है, क्योंकि ये पंचर नहीं हो पाता है, इसके अंदर वैक्स भरी होती है। जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक मारुति कार का वैक्स टाइप थर्मोस्टेट है। मारुति के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। मारुति में जो ये थर्मोस्टेट लगा होता है वो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे खुलता है, यानी कि जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब ये खुलेगा, और तभी ये वाटर को फ्लो करने देगा कूलेंट को, उससे पहले ये खुलेगा नहीं। अब बात करते हैं थर्मोस्टेट, आपने पढ़ लिया। अब अगर आपको अगर ये अंदाजा लग जाए कि थर्मोस्टेट खराब है या सही है, इसका पता कैसे लगाना, तो उसको पता लगाने के लिए उसकी चेकिंग कैसे करनी थर्मोस्टेट की, उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो उसके लिए क्या करें कि एक बीकर में पानी ले और पानी के अंदर थर्मोस्टेट को डुबा दें। उसको डुबाने के बाद बीकर को गर्म करना शुरू करें, उसमें एक थर्मामीटर को डिप कर दें, उसको गर्म करते जाए गर्म करते जाए, धीरे धीरे गर्म करें। जब वो एक टेम्परेचर निश्चित आ जाएगा तो वो अपने आप डिस्क वाल्व खुल जाएगा। ठीक है, जो बंद होगा वाल्व वो अपने आप खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर वो अपने आप ओपन हो जाए तो उसका मतलब आपका थर्मोस्टेट सही काम कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। ये लगभग 75 से 80 डिग्री सेल्सियस पे खुलता है या बंद होता है। ठीक है, तो ये उसका चेकिंग करने का जरिया है थर्मोस्टेट का। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं होस पाइप। तो होस पाइप क्या होता है कि प्लास्टिक या रबर के ज्यादातर बनते हैं। रबर के क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन को झेल पाए। रबर होता है वो इलास्टिक होता है और वो वाइब्रेशन को झेल पाता है। ठीक है, होस पाइप को क्लैंप्स के द्वारा, सी क्लैंप्स होती है, सी क्लैंप्स के द्वारा इनको जकड़ा जाता है, इनको फिट किया जाता है होस को। और ये जब भी अगर आप इंजन की फिटिंग करें या उसकी ओवरहॉलिंग करें तो ये ध्यान रखें कि वो ज्यादा गर्मी की वजह से ये रबर जल ना पाए, इसलिए उच्च क्वालिटी का होस आपको यूज करने हैं हमेशा। अगला टॉपिक है वो है वाटर। तो वाटर कुछ नहीं, ये कूलिंग का काम करता है, ये हमेशा मुफ्त में अवेलेबल हो जाता है। बस ये ध्यान रखें पानी होगा वो हमेशा स्वच्छ पानी का यूज करना है, गंदे या मट मैले पानी का उपयोग नहीं करना है, हमेशा ऑलवेज स्वच्छ पानी का उपयोग करें। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि हीरो, अगर हीरो और हीरोइन के सुनसान रास्ते से जा रहे हैं जंगल में से, जाते जाते उनकी गाड़ी गर्म हो जाती है, गाड़ी के बोनेट में से धुआं शुरू हो जाता है। तब क्या होता है, हीरो गाड़ी रोक देता है, वो अंदर से जरीकन निकालता है, जरीकन को लेके जाता है तालाब की तरफ, भागता है जंगल में, और तालाब में जैसे मटमैला पानी वगैरह मिलता है उसको लेके आता है और गाड़ी में डालने का प्रयास करता है। लेकिन ये कभी पूरा सफल नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ घटना अवश्य घट जाती है। तो ये सब मूवी की बातें हैं। अगर इसको रियल लाइफ में देखें तो गंदा पानी या मटमैला पानी का यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो उसकी इम्प्योरिटी होगी
वो रेडिएटर के नीचे जम जाएगी और रेडिएटर को खराब करना शुरू कर देगी। इसलिए हमेशा स्वच्छ पानी का उपयोग करें। और जो उसके अगर मान लो गंदगी जम गई है तो उसको बैक वॉश या फ्लशिंग फ्लशिंग के द्वारा हम उसको गंदगी को निकाल सकते हैं। नीचे पाइप लगा होता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि रेडिएटर में पाइप लगा होता है, और तो उसको अगर प्रेशर के साथ फ्लश करेंगे तो सब गंदगी बाहर आ जाती है। उसको टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गई बात वाटर की। अब आता है लास्ट एयर कूलिंग सिस्टम। ये आपके राइट साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है, एयर कूलिंग सिस्टम का दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, एयर कूलिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि पिस्टन या सिलेंडर है, उसके चारों तरफ एक फिन टाइप लगी होती है, फिन में से एयर पास कराई जाती है तो एयर के द्वारा कूलिंग की जाती है, तो इसलिए इसको एयर कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। कई बार ब्लोअर का भी यूज किया जाता है, ज्यादा हवा चाहिए तो ब्लोअर का यूज किया जाए। जो एयर कूलिंग सिस्टम होता है वो नॉर्मल व्हीकल में काम नहीं आता है, ये ज्यादातर यूज होता है ट्रैक्टर में, ज्यादातर यूज किया जाता है। आइसर कंपनी के ट्रैक्टर आते हैं या फिर अशोक लेलैंड के ट्रैक्टर वगैरह, तो इन सब में इनका यूज किया जाता है, महिंद्रा के ट्रैक्टर में। तो ये सब एयर कूलिंग सिस्टम उन ट्रैक्टर में प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी कि उनकी क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेज है कूलिंग सिस्टम के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर वो एडवांटेजेज, वो उसकी बात करेंगे तो वो है ये पानी के सीधे संपर्क में होते हैं, तो उस कारण जल्दी से ये कूलिंग कर पाते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम वाले। और उसके अलावा क्या है कि अगर मान लो गाड़ी चल रही है तो चलती गाड़ी में ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम होते हैं, एयर कूलिंग वाले सिस्टम। उसके अलावा सिलेंडर और हेड में वाटर जैकेट और उनमें पानी अगर भरा हो तो उससे क्या होता है, इंजन में आवाज कम आती है और इंजन में कई जगह हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट होते हैं, तो उन हॉटस्पॉट को ये भली भांति ठंडा रख पाता है कूलिंग सिस्टम। ये एडवांटेज की बात कर रहा हूं मैं अभी। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कूलिंग सिस्टम का ये है कि गाड़ी के आगे रेडिएटर लगता है, और रेडिएटर का साइज इतना बड़ा होता है कि गाड़ी को अपन एरोडायनेमिक्स के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाते, उसको ढला नहीं पाते। कैसे कि गाड़ी इस टाइप की होती है तो यहाँ रेडिएटर लग जाता है, तो रेडिएटर लगेगा तो गाड़ी में यहाँ बोनेट की आवश्यकता होगी और हवा यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे स्क्रीन से टकरा जाएगी और गाड़ी को पीछे की तरफ धकेलेगी। ये कही आपने रेसिंग कार देखी होगी, F1 रेसिंग वगैरह उसमें होती है, तो उसमें छोटी सी कार होती है और आगे से रॉकेट नुमा होती है, तो रॉकेट नुमा होती है तो वो एरोडायनेमिक्स के लिए सपोर्ट करती है, और उससे क्या फ्रिक्शन कम होता है, वायु के कारण घर्षण कम होता है, तो गाड़ी स्पीड से चलती है, बहुत तेज चलती है। उनकी लगभग स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से चलती है। और जो नॉर्मल गाड़ी होती है जिसमें रेडिएटर लगा होता है, तो उनकी एवरेज स्पीड 100-150 तक ही होती है, सीमित है। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कूलिंग सिस्टम लगाने का। आइए तो अब मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं साथ में। तो मेंटेनेंस का बहुत ही ज्यादा महत्व है गाड़ी में। गाड़ी में क्यों है कि मान लो गाड़ी चल रही है और कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए या रेडिएटर ज्यादा गर्म हो जाए तो उससे क्या होगा, गाड़ी वहीं पे चौक हो जाएगी, रुक जाएगी, वो हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए गाड़ी चलाने से पहले मेंटेनेंस कराना बहुत जरूरी कूलिंग सिस्टम का। तो उसके लिए क्या किया जाए कि सबसे पहले देखें कि उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो सही है या नहीं है, वाटर लेवल को चेक करें, अगर वो कम है तो उसमें पानी को फिल करें। अगर मान लो कि पानी गंदा है या रेडिएटर में गंदगी जम गई है तो उसको फ्लश कर दें, उसको हटा दें। उसके अलावा जो ड्राइव बेल्ट का टेंशन होता है वो चेक करें, यह लगभग 2 mm के तकरीबन होना चाहिए उसका टेंशन, यानी कि उसके बीच में कितना गैप है वो उतना होना चाहिए। होस पाइप को चेक करें, अगर होस पाइप कहीं से बैंड हो रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री पे बैंड हो रहे हैं, तो रुकावट आ जाएगी पानी के फ्लो में, तो वो आप चेक करें कि वो बैंड कैसा ना हो, अगर बैंड हो तो उसको खोल दें। अगर वो ज्यादा गर्मी के कारण
पिघल गए हैं या गल गए हैं तो उनको तुरंत चेंज किया जाए। उसके अलावा जो पानी का लीकेज कहीं से हो रहा है तो उसको चेक करें, हॉस पाइप को चेक करें, रेडिएटर कोर को चेक करें, रेडिएटर टैंक को चेक करें, उसके अंदर ड्रेन प्लग लगा होता है उसको चेक करें, ये सब इक्विपमेंट को आप चेक करें, और उसके अंदर हवा का प्रेशर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो उसको मेंटेन सही से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये सब चेक करना जरूरी है। उसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि आजकल जो नई नई गाड़ी आ रही तो उसके जो रेडिएटर के आगे जाली लगी होती है, सुंदर सुंदर तरह की जालियाँ होती है, मैशिंग होती है, इस टाइप की छोटी छोटी मैक्स मैश की होती है, तो मैशिंग की तुरंत सफाई की जाए, टाइम टू टाइम सफाई की जाए कि अंदर कोई पक्षी या कोई जानवर छोटा मोटा इंसेक्ट वगैरह वो अंदर घुस के मर तो नहीं गया, तो उसको तुरंत चेक करके हटा दिया जाए, तो ये सब उसकी मेंटेनेंस के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट में कूलिंग सिस्टम की ट्रबल शूटिंग, यानी कि अगर कोई त्रुटि है कूलिंग सिस्टम में तो उसको आप खुद रिपेयर करने की ट्राई करें। ठीक है, तो इसलिए ट्रबल शूटिंग गाइड होगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रबल शूटिंग दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट नंबर कब होगी, जब हीट इंजन रन आउट एंड इट्स कॉजेस, यानी कि इंजन होगा वो हीटिंग कारण गर्म हो गया है और रुक गया है, तो ये अक्सर लीकेज के कारण होता है। लीकेज यानी कि कहीं से पानी का लीकेज हो रहा है, या फिर जो हॉस पाइप है उसके अंदर लीकेज हो रहा है, और रेडिएटर के ब्लॉक में उसका जो टॉप टैप होती है टैप वगैरह वो टूट गई है, या उसमें से लीकेज हो रहा है, जो नीचे की तरफ होती है लोअर पोर्शन में रेडिएटर के लोअर पोर्शन में टैप होती है, अगर टैप में लीकेज है तो उससे क्या हीट इंजन का रनआउट हो सकता है, वो इंजन ब्रेकडाउन हो जाएगा रास्ते में, और वाटर पंप सही से काम कर पा रहा है नहीं पा रहा है, तो ये सब उसकी ट्रबल शूटिंग गाइड है हीट इंजन रन आउट एंड इट्स कॉजेज के बारे में। जो नेक्स्ट है वो रीजन ऑफ ओवर हीटिंग, यानी कि ओवर हीटिंग किस प्रकार हो रही है, किस कारण से हो रही है, तो क्या होता है उसमें कि जो रेडिएटर होती है वो कई बार कॉपर का बनता है, तो कॉपर में जंग लग सकता है, कॉपर होगा या उसके अंदर मान लो कि थोड़ा कम क्वालिटी का है तो आयरन होगा, तो आयरन में जंग लग गया, या उसके जो हॉर्स वगैरह हो गए वो गल गए या खराब हो गए, तो उस कारण ओवर हीटिंग संभव हो पाती है, संभव है उसके। और उसके अलावा मान लो वाटर शाफ्ट टूट जाए, या फिर थर्मोस्टेट वाल्व सही से काम करना बंद कर दें, और इग्निशन टाइमिंग रिटार्ड हो जाए, उसका टाइमिंग कम हो जाए, या फिर इंजन के अंदर प्री इग्निशन शुरू हो जाए, नॉकिंग हो जाए शुरू होगी, डेटोनेशन शुरू हो जाए, तो उस कारण भी ओवर हीटिंग शुरू हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा जो ऑयल होता है इंजन ऑयल या कूलेंट ऑयल, अगर वो ज्यादा गाढ़ा है या ज्यादा तरल है तो उस कारण भी फेलियर हो जाएगा और वो कूलिंग कर पा ओवर हीटिंग शुरू हो जाएगी, कूलिंग कर नहीं पाएगा। तो ये सब कूलिंग सिस्टम की ट्रबल शूटिंग गाइड है, और इसी के साथ आपका कूलेंट जो टॉपिक है वो कवर होता है और पूरा होता है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये इसकी लिमिट है। अब आपका फेवरेट पार्ट आते हैं, वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कूलिंग सिस्टम, यानी कि जो पिछले कुछ सालों में रिपीट होते आए सवाल उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक इंजन में जल शीतलन प्रणाली अलग प्रकार की होती है, वाटर पंप के साथ लगे जल शीतलन प्रणाली का नाम लिखिए। जल शीतलन प्रणाली मतलब वाटर बेस्ड कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है, तो इसके ऑप्शन बढ़ते हैं, थर्मोसिफोरिक प्रणाली, बल्कि परिवहन प्रणाली, या फिर फोर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम बल के द्वारा, डायरेक्ट शीतलन प्रणाली, या फिर इनडायरेक्ट शीतलन प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फोर्स ट्रांसपोर्ट प्रणाली, यानी कि जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है उसके अंदर फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है पानी का, ऐसा नहीं कि स्लो होगा तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पाएगा पानी, इसलिए इसमें फोर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। रेडिएटर का कोर निम्न से साफ किया जाता है, यानी कि जो रेडिएटर का आउटर कोर होता है
ये आउटर कोर है ये पोर्शन, तो उसको साफ कैसे करते हैं? बाहर से फैन की ओर, यानी कि बाहर लगा होता है उसके पीछे फैन होता है, रेडिएटर के पीछे फैन होता है, तो बाहर से फैन की ओर, या फिर विपरीत फ्लशिंग, इसको बैक वॉश भी कहते हैं, विपरीत फ्लशिंग यानी बैक वॉश। सी ऑप्शन है कोर के ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर टॉप टू बॉटम। और लास्ट है ऊपरी हॉज से नीची निचले हॉज की ओर, यानी कि यहाँ पे जो हॉज लगे होते हैं ऊपर हॉज से लगाकर नीचे हॉज की तरफ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विपरीत फ्लशिंग, बैक वॉश करेंगे उसी कारण वो हो पाएगा, यानी कि यहाँ पे टैप लगा होता है तो उसके जो फोर्स के साथ अपन करेंगे फ्लशिंग, तो उस तरह ये कर पाएगा साफ, किसको? कोर को। तो इसका आंसर होगा बी, विपरीत फ्लशिंग। नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक वाहनों में पंप चलित शीतलन प्रणाली को महत्व क्यों दिया जाता है? यानी कि जो अभी लेटेस्ट वाहन है तो उसके अंदर पंप सर्कुलेटिंग सिस्टम को ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखें, बिना दाब के जल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, यानी कि अगर दाब को अगर चेंज नहीं करें और जल की मात्रा बढ़ा दें। सेकेंड ऑप्शन है सिलेंडर शीर्ष और वाल्व को अति शीतलन करता है, कि जो पंप होता है ना, पंप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिलेंडर हेड और वाल्व को इतने ज्यादा ठंडा कर देता है कि पूछो ही मत। ऑप्शन नंबर सी हर अवस्था में उच्च दर का शीतलन प्रदान करता है, यानी कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर एक मौसम में ये ठंडे का काम करेगा, कूलेंट का काम करेगा। या फिर ऑप्शन डी प्रक्रिया में कम भाग की आवश्यकता होती है, यानी कि इस प्रक्रिया में बहुत शॉर्टेज का प्रयोग होता है। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा नंबर सी, यानी कि कुछ कोई भी अवस्था हो, सर्दी हो गर्मी हो या फिर जमीन पे हो या समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर हो, शिमला हुआ या अपने रेगिस्तान में भी हो, तो हर अवस्था में ये सही से काम कर पाता है, वाटर कूलिंग सिस्टम, पंप बेस्ड कूलिंग सिस्टम सॉरी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, दबाव युक्त शीतल प्रणाली में किस प्रकार का रेडिएटर ढक्कन प्रयोग करते हैं? जो प्रेशर वाला सिस्टम होता है, प्रेशर कूलिंग सिस्टम होता है, तो उसके अंदर रेडिएटर का ढक्कन होता है, वो किस टाइप का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, शीतलन के लिए बड़े रेडिएटर, खुले शीतलन की अपेक्षा अधिक शीतलक यानी कूलेंट, ओपन टाइप या उससे अधिक शीतलक, दाबपूर्ण रेडिएटर ढक्कन जो शीतलक के उबाल को रोके, या फिर शीर्ष और सिलेंडर होज पर बड़े जल जैकेट, वाटर जैकेट, जल जैकेट मतलब वाटर जैकेट। तो किसका उपयोग होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा दाबपूर्ण रेडिएटर ढक्कन जो शीतलक के उबाल को रोके, कि मान लो उसमें 5 पाउंड पर वर्ग इंच का प्रेशर उसमें डाला गया है वाटर का, और जब वो गर्म होगा तो उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, तो अगर मान लो अगर उसका ढक्कन अपन ने खोल दिया, प्रेशर का ढक्कन खोल दिया, तो उसमें जो बॉइलिंग हुआ पानी वो इतने प्रेशर से मुंह के ऊपर आएगा कि मुंह आपका पूरा सतविक्षत हो सकता है, तो इसलिए उसमें ढक्कन होगा वो भी प्रेशर ही रखना जरूरी है ताकि वो आसानी से खोल ना पाए, ठीक है, उसके उबाल को रोक सके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक रेडिएटर में जल परिवहन निम्न प्रकार से होता है, यानी कि जल का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है वाटर का? निम्न टैंक से उच्च टैंक की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, या फिर उच्च टैंक से निम्न टैंक की ओर। थर्ड ऑप्शन है इंजन से निम्न टैंक की ओर, यानी कि इंजन से लगाकर निम्न टैंक की ओर, या फिर इंजन से जल पंप की ओर। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च टैंक से निम्न टैंक की ओर जल का परिवहन होगा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। 1 लीटर हैवी ड्यूटी कूलेंट में कितनी मात्रा में पानी मिलाएंगे? मान लो कि 1 लीटर का
हैवी ड्यूटी कूलेंट प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर पानी कितना मिलाएंगे, तो उसका ऑप्शन होगा उसका डबल, यानी कि एक का डबल कितना हो गया दो, तो उसमें 2 लीटर पानी को मिलाएंगे तभी वो ढंग से काम कर पाएगा, वरना वो इतना ज़्यादा इतना गाढ़ा होगा कि वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा, उसकी विस्कोसिटी तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बना बनाया 5 लीटर कूलेंट जार में कितना शुद्ध पानी मिलाएंगे, यानी कि पहले से बना हुआ है 5 लीटर का कूलेंट का जार है तो उसके अंदर कितना शुद्ध पानी मिलाएंगे ताकि वो शीतल की तरह प्रयोग किया जा सके। तो ऑप्शन है 5 लीटर पानी, 15 लीटर पानी, 20 लीटर पानी या बिल्कुल पानी नहीं मिलाएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई लोगों, वो ऑलरेडी बना हुआ ही है, यानी 5 लीटर पहले से बना हुआ है कि यानी उसमें 2.5 लीटर मैंने हैवी ड्यूटी कूलेंट लिया था तो उसका डबल यानी कि 2.5 लीटर और मैंने पानी उसको यूज कर दिया, तो ये 5 लीटर आपका बना हुआ तैयार पड़ा है, उसको डायरेक्ट उसमें फिल करना है रेडिएटर में, तो ये कूलेंट का काम करेगा, तो उसके अंदर पानी आपको मिलाना नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं मिला था इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। डीजल इंजन में थर्मोस्टेट वॉल्व जब पूरा खुलता है तो वॉल्व की लिफ्टिंग कितने इंच होती है, यानी कि वॉल्व कितना ऊपर उठेगा। मान लो यहाँ पे वॉल्व है तो ये वॉल्व कितने इंच ऊपर उठेगा, तो ये बस मैथमेटिक्स सिद्ध किया हुआ है, उसकी जो लिमिट है वो फिक्स की हुई है, तो सीधा आपको रटना है, ये याद रखना है, समझने की जरूरत नहीं इसमें। ऑप्शन दिए हुए 1/4 इंच, 5/16 इंच, 7/8 इंच या 1 इंच, तो उसका जो सीधा सा उत्तर है वो है ऑप्शन बी 5/16 इंच, या फिर इसको अगर शॉर्ट के जाए तो ये होगा 0.3125 इंच, 0.3125 इंच में इसका इसकी लिफ्टिंग होगी इतनी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 6 सिलेंडर डीजल इंजन के वाटर कूलिंग सिस्टम में किस प्रकार के पानी का उपयोग प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मान लो कि 6 सिलेंडर इंजन का डीजल इंजन है, कोई 6 सिलेंडर का बहुत बड़ा इंजन है, तो उसके अंदर कौन सा वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए, हैंडपम्प पानी, साफ नरम पानी, उबला हुआ पानी या तालाब का पानी, कौन सा पानी का उपयोग करेंगे। तो मैंने अभी आपको फिल्म की स्टोरी बताई थी, वो का वो पेट्रोल इंजन में भी काम आएगी, वो डीजल इंजन में भी काम आएगी, तो उसका ऑप्शन होगा सीधा साफ नरम पानी, क्योंकि हैंडपम्प पानी में अशुद्धता होती है सब जानते हैं, तालाब का पानी तो शुद्ध होता ही नहीं है, तालाब का पानी हमेशा खराब होता है, हैंडपम्प का पानी यूज नहीं करेंगे। उबला हुआ पानी क्यों नहीं डालेंगे, क्यों भाई लोगों, कि इंजन जब गर्म होगा तो वो पानी अपना भी उबल जाना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए पहले से हमें कार्य करने की जरूरत नहीं है, तो उसका सीधा से उत्तर होगा साफ नरम पानी की आवश्यकता होगी। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रेडिएटर सामान्यतः किस मेटल के बने होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था किस मेटल का होता है, तो ऑप्शन देख लो, तांबा व पीतल या ओनली पीतल, ऑप्शन सी ओनली तांबा, या फिर डी है लोहा और एल्यूमिनियम का, तो लोहा एल्यूमिनियम तो सस्ते रेडिएटर के भाग होते हैं तो इसलिए इनका उपयोग होते नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तांबा या पीतल। मान लो कि ये सब ऑप्शन में से आपको तांबा व पीतल ऑप्शन ना हो और सिर्फ पीतल और तांबा दिया हो अलग अलग ऑप्शन में, तो उसका सही उत्तर होगा तांबा करना पड़ेगा, दोनों अगर ऑप्शन दिए तो दोनों आंसर राइट होंगे। ठीक है, अपना लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। फोर्स वाटर कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वॉल्व कहाँ लगाया जाता है, फोर्स मतलब FORCED फोर्स वाटर कूलिंग सिस्टम, तो उसके अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व, थर्मोस्टेट वॉल्व की पोजीशन पूछी गई है तो कहाँ लगाएंगे, वाटर पंप के इनलेट में, वाटर आउटलेट के एल्बो में, एल्बो मतलब इसका
लास्ट वाला हिस्सा, या वाटर जैकेट में, और लास्ट ऑप्शन है रेडिएटर के है नीचे के भाग में, यानी कि रेडिएटर के लोअर टैंक में, तो उसका कहाँ लगाएंगे, थर्मोस्टेट वाल्व। तो थर्मोस्टेट वाल्व लगेगा वाटर जो आउटलेट होगा उसकी एल्बो के अंदर लगाएंगे, इसका ऑप्शन बी होगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कूलेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है स्नेहक प्रणाली, तो उसके पार्ट बी में स्नेहक प्रणाली के बारे में आपको बताऊंगा। और हाँ, मेरे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा रेलवे का, इसलिए पहले से बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आपके लिए और मेरे टीम की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू। Thank you.